हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड आप सभी को पता चल गया होगा जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है सीबीटी फर्स्ट का। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जो है अपने आगे की तैयारी शुरू करें अभी से ही, एंड जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो जल्दी अनाउंस होने वाली है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखें एंड अपनी बस प्रिपरेशन करते रहें और अच्छा ही होगा सब कुछ। बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है लगता है थोड़ा बुरा, लेकिन इतना कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी पढ़ाई करें, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन तो देखो होना ही है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। जो पढ़ाई है बस वो आपकी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका रिजल्ट हो तो पॉजिटिव हो तो नहीं हो तो, ठीक है। पढ़ाई तो हमेशा अच्छे से करनी है आपको। सो हमने जो है PYQ स्टार्ट किए थे रेलवेज़ के। अब देखो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो अच्छे से PYQ प्रिपेयर करो, आपका एग्ज़ाम जल्दी अनाउंस हो जाएगा, नेक्स्ट वैकेंसी भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो जितने भी PYQ है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सिलेबस तो आपका ऑब्वियसली बात है अच्छे से आप कर ही लोगे, बट PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया रेलवेज में बहुत रिपीट होते हैं। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट वाले जो पेपर्स हुए उनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वैकेंसी में, नेक्स्ट पेपर में आपको वो मिले, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्कुल भी मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो हमने जो है PYQ स्टार्ट किए थे। तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी कोई डाउट है नेक्स्ट जो आपका राउंड है उसके लिए, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट है किसी भी तरह का, तो आप जो हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाए क्लिक करें और आपने जो भी क्वेरीज हैं आपकी वहाँ पे, आप हमने जो भी सवाल हमसे पूछे आपको फॉर श्योर आपको सारे जितने भी सवाल हैं आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सबके आपको जो है सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। सो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का अपना पहला सवाल। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? ओके, तो देखो इसमें पूछा गया तापीय प्रभाव पर। अब अपना ऑप्शन देखे तो सर्ज प्रोटेक्टर ये नहीं है, सर्किट ब्रेकर तो देखो जब जैसे ज़्यादा ओवर करंट होता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करके जो आगे की जो होता है उसको क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्टिव रिले इसका भी अलग है। देखो फ्यूज़ होता है ना, बस सिंपल यही जो है वो जो है धारा के तापीय प्रभाव पर जो है आधारित उपकरण होता है। बेसिकली फ्यूज़ होता क्या है, एक फ्यूज़ जो है ये एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस मान सकते हो, ठीक है। इसको अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी पर्पज। कैसे सेफ्टी पर्पज, जब भी ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है उससे जो है ये अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्या कराता है, फ्यूज़ कराता है। जब भी जो अपनी जो सर्किट है उसके अंदर ओवर करंट होगा फ्लो, तो ये फ्यूज़ क्या है और ये अपन को उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा ओवर करंट फ्लो से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है अपना आंसर, वो है ऑप्शन बी, ठीक है। धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कौन होता है, फ्यूज़ होता है, ठीक है। जब भी ओवर करंट होता है तो अपन कौन सा जब भी यूज़ करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। देखो जो जितने भी दिवस वगैरह है ना ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी दुनिया है, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, तो हर दिन किसी ना किसी तरह से स्पेशल हो जाता है, चाहे वो इंडिया के मतलब बस उससे देखो आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर किसी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर वर्ल्ड के उससे किसी भी तरह से देखो, तो हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे दिन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं आप बस वो याद करो। और आपके जो PYQ में है हमने भी काफ़ी सारे जो डेज हैं वो डिस्कस किए हैं, तो बस आप उनको याद करो, बिल्कुल लोड इन सब चीज़ों का, एंड रिपीट हो जाते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं। एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाता, वो पीछे से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें अपने जो भी है पुट कर देता है नेक्स्ट एग्जाम में जो भी है उनका, उनको नहीं इतना ज़्यादा सर्च करना होता, तो इसलिए ज़्यादा जो डेज वगैरह है इनके बारे में इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। PYQ करो एंड जो इंपॉर्टेंट डेज है वो याद करो बस। अब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अब ये क्या याद करना है इसमें, सिर्फ इसका जो आंसर है वो 29 अप्रैल, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखो जो खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919-1920 के बीच हुआ था,
ठीक है। और इसमें क्या था, इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी जो है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी ने तो इनफैक्ट एक समिति करके भी बनाई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। एंड जो खिलाफत आंदोलन है उसको असहयोग आंदोलन में क्या एक तरीके से मर्ज किया था, मतलब असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा माना, इसको बनाया था खिलाफत आंदोलन को। जो खिलाफत आंदोलन है ये एक अहिंसक आंदोलन था। बेसिकली जो तुर्की है वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का क्या पतन हो रहा था आई थिंक, उसके जो विरोध में है विरोध में अपने यहाँ पे ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो अगर अपन ऑप्शंस देखें, नेतृत्व का बात चल रहा है तो अबुल कलाम आज़ाद भी है, महात्मा गांधी भी है, अली बंधु भी है, मोहम्मद अली जिन्ना। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि आप अपना सपोर्ट किसी आंदोलन को दे रहे हो, ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद रहे, महात्मा गांधी, ये सब क्या सपोर्टर थे। अब नेतृत्व की बात करें, जैसे कि कोई आंदोलन होता है उसको लीड कौन करता है, तो यहाँ पे लीड की बात चल रही है। तो लीड जो किया था ना खिलाफत आंदोलन को, वो किया था अली बंधु होना, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी, अली बंधु अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो एग्रीकल्चर हो गए, पौधे हो गए, जितने भी मतलब सिंचाई से संबंधित जितने भी हैं, पौधे रोपण, इन सब में क्या है नाइट्रोजन का बहुत एक मेजर रोल होता है उसके ग्रोथ प्लांट के, एग्रीकल्चर तो कुछ भी है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन जो है उसका बहुत अच्छा एक मेजर रोल होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वो। एंड जो अपनी मृदा होती है उसके अंदर भी NPK करके एक रेशियो चलता है, NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, NPK का रेशियो क्या होता है 4:1 करके रेशियो में चलता है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें क्या इस एक चीज़ और आपको क्वेश्चन से आपको पता चलती है, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में, देखो जो है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो यूज़ आ ही रहा है, ऑब्वियसली बात है, इसमें प्रोटीन और उनके अन्य यौगिकों के संश्लेषण में भी नाइट्रोजन का बहुत अच्छा जो है मतलब एक रोल होता है, काम करता है उसके लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है, मतलब तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज राजा ने करवाया था। और ओके तो देखो अब ये इसमें जो है तंजावुर का मंदिर, तंजावुर में एक ही फेमस मंदिर है वो है बृहदेश्वर का मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर का मंदिर है। इसलिए चोल शासन था उस टाइम पे ये बनाया गया था, इसमें दिया हुआ है मतलब ऑलरेडी आंसर में राज राजा के द्वारा बनवाया गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो राज राजा के द्वारा बनवाया गया था, चोल शासन के टाइम पर बनवाया गया था, और ये तंजावुर में स्थित है। और जो बृहदेश्वर मंदिर है ये अपने जो साउथ इंडिया है उसका सबसे ऊंचा मंदिर इसको माना जाता है, ठीक है। इसको आई थिंक बनाया गया था 1010 में इसको बना के तैयार किया गया था। तो जब 2020 में इसके मतलब जो 100 वर्ष पूरे हुए थे इसके निर्माण को, जो RBI है उसने एक 1000 का जो सिक्का है वो जारी किया था। मतलब अपने इंडिया में ऐसे करते हैं, जैसे किसी के 100 वर्ष पूरे हो गए, किसी के 1000 वर्ष पूरे हो गए, 2000 वर्ष, तो RBI क्या है किसी न किसी तरीके से कोई सिक्का जारी करके उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंस प्रदान करने की कोशिश की जाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो मंदिर है कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, और इसको ना राजराजेश्वर मंदिर भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके तो इसका अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, UN के 8वें महासचिव कौन थे, बान की मून। ऑब्वियसली बात है तो सबको पता होना चाहिए, बिकॉज 8वें जो अपने फिर 9वें थे वो अपने जो आंसर ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, ये अपने 9वें बने थे आई थिंक, ये 2017 से ये अपने अभी तक मतलब जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, करंट में भी यही है। तो थोड़ा सा याद रखना करंट में अपने जो UN है उसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस करके हैं, और जो 8वें थे वो बान की मून थे, और 2017 से जो है बने हुए एंटोनियो गुटेरेस अपने जो UN है उसके महासचिव, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। करंट में कौन है एंटोनियो गुटेरेस, और 8वें कौन थे, बान की मून। अपना जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अपना फिर से UN का, UN के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 निलंबित हो गया था। ओके निलंबित नहीं सबको मतलब उसका रिलेवेंस रहा नहीं, तो उसको एक तरीके से बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शंस अगर देखें तो न्यायसत्ता परिषद, देखो विधानसभा कोई वो नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, सुरक्षा परिषद वो तो एकदम मेन है, सुरक्षा परिषद को तो अपन इतने सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं सुरक्षा परिषद को लेके, तो कितने स्थाई 5 स्थाई सदस्य होते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में अन्य सदस्य चुने जाते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके रिगार्डिंग भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था अपने जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें, अपने भारत की तरफ से जो जज है वो कौन है, दलवीर सिंह भंडारी जी है, नाम याद रखना ठीक है। और उनका ये जो है दूसरा, उनका बोला दूसरा टाइम पीरियड चल रहा है, पहले भी वो मतलब चुने गए थे, अब दोबारा भी उन्हीं को चुना गया, दलवीर सिंह भंडारी जी को ठीक है। अब वो अपना जो आंसर है वो है न्यायसिता परिषद, जो न्यास परिषद है इसको क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना उसके बाद जितने भी जो क्षेत्र हैं, प्रदेश है जहाँ पे स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हो पाई थी, तो उनको एक तरीके से क्या है पर्यवेक्षण, मतलब एक सुरक्षा टाइप का प्रदान करने के लिए इस परिषद का, न्यास परिषद का स्थापना की गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जितने भी प्रदेश थे जहाँ पे स्वायत्त शासन स्थापित नहीं था वहाँ पे धीरे धीरे स्वायत्त शासन स्थापित होता चला गया, तो फिर न्यायसिता जो परिषद है इसका कुछ खास रिलेवेंस रहा नहीं, इसको इसलिए इसको क्या किया 1 नवंबर 1994 को निलंबित कर दिया गया ठीक है। तो जब देखो हम किसी चीज़ को कब बंद करते हैं, जब उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहता या फिर उसका एक तरीके से कोई यूज़ नहीं रहता, तो हम उसको चीज़ को क्या बंद कर देते हैं। तो बस यहाँ भी वही किया गया था, रिलेवेंस रहा नहीं इसलिए बंद कर दिया। एंड इसको क्या सिर्फ खाली बंद मतलब निलंबित किया गया था, विघटित नहीं किया गया। तो इन फ्यूचर मान लो कभी भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको क्या वापस से एक्टिव कर दिया जाए, मतलब वापस इसको क्रियाशील कर सकते हैं एक तरीके से, ये है निलंबन का यहाँ पे। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यासिता परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, जितने भी हमने बहुत अच्छे से अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं और अपनी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इनके रिगार्डिंग, पहला कौन है, दूसरा कौन है, करंट में कौन है ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूछा गया, औपचारिक तौर पर जो उद्घाटन है वो किया गया था 1957 में, इसको याद रखना अच्छे से ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने इंडिया में जितनी भी चीज़ें पहली पहली बार हुई है चाहे किसी भी क्षेत्र में हुई, उनको आप अच्छे से याद कर लो, मतलब रेलवेज के तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये, इस पर भी आप स्टार लगा लो बिकॉज इसमें भी पहला पूछा गया है, तो एक रेलवेज के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप याद कर लो। और रेलवे अब इंडिया अब थोड़ा सा ना ये भी याद रखना कि इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, छोटी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, बड़ी नदी कौन सी है, तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा याद रखो। सबसे पहला तो एकदम याद रखना है कि सबसे पहले किस क्षेत्र में क्या किया गया था, ये रेलवेज के एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं ये सवाल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1957 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। देखो विशेषता नहीं है मतलब अगर आपको पता है कि ऑप्शन में इसकी ये विशेषता नहीं है तो बाकी क्या है, बाकी सारी कंप्यूटर की विशेषता है तो विशेषता भी याद हो जाएंगी। स्पीड ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर की विशेषता तो होती है, स्पीड ही होती है मेन। तो डेटा स्टोरेज, डेटा भी स्टोर कर सकता है, मेमोरीज होती है उसमें बहुत सारी, मेमोरी कार्ड मतलब जो भी अपने पढ़े थे बहुत सारी टाइप की मेमोरीज होती हैं ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी कैश ये सब होती हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये नहीं होता है इसके अंदर इंटेलिजेंट, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो इंटेलिजेंट नहीं होता एक तरीके से, आप जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम करोगे ना कंप्यूटर वैसे ही फंक्शन करेगा, वैसे ही वर्क करेगा, उसकी खुद की बुद्धि नहीं होती है, इसलिए ये जो फैक्टर है इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये कंप्यूटर में नहीं पाया जाता, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। एक्यूरेसी ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर एक्यूरेसी ही प्रदान करता है, कंप्यूटर का सिंपल सा फंडा होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जैसा उसको इनपुट दोगे वो वैसा आपका आउटपुट देगा ठीक है। तो सिंपल सा है, एक्यूरेसी तो है ही उसमें, स्पीड है, डेटा स्टोरेज है, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है, उसकी खुद की बुद्धि नहीं होती है, आप जैसे इसको प्रोग्राम करोगे वो वैसे वर्क करेगा ठीक है। तो अपना आंसर क्या है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। ऑब्वियसली बात है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको तो कुछ भी सबको पता होना चाहिए, जो अपने इंडिया में सबसे पहले जो साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था ठीक है। और अपने भारत में ही नहीं, या एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अपना जो आंसर है वो ऑप्शन बी, इंडिया में भी और एशिया में भी सबसे पहले इन्हीं को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ठीक है। तो ये रहा अपना, ये आज का अपना आखिरी सवाल था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो अपना चैनल है डीप्स एजुकेशन इसको आप सब्सक्राइब करें, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको फिर से कंग्रेचुलेशन, आप प्लीज़ अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करो, और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए भी नेक्स्ट वैकेंसी एकदम रेडी है, आप बस प्रिपेयर करो, बस प्रिपेयर करो अच्छे से, ज़्यादा सोचना नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। और अगर आपको जो ये वीडियो था इसका आपको विद आंसर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, थैंक यू।